अभी देखते हैं कि मोबाइल की कंडीशन वगैरह कैसी है। ये इसकी स्टोरेज है 128 GB है, 6/128 है अभी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। पहले तो सब भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज मैंने एक और मोबाइल मंगवाया, गेमिंग सेट है ये। आपको इसकी अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे। मैंने बिल्कुल इसको ओपन वगैरह नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आप इधर ले आए, तो अभी आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये सर जी, आप कटर भी दे देते हैं उसके साथ, हम छोड़ देते हैं। आप छोड़ दें, आप हो गया। ये अभी आपके सामने, बल्कि दे दें इधर कटर दे दें। ये पैकिंग, क्योंकि इस मोबाइल के साथ बॉक्स वगैरह नहीं था, तो इसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने देखते हैं कि मोबाइल की कंडीशन वगैरह कैसी है। मोबाइल की कंडीशन तो नज़र आ रहा है भाई, बोल नहीं, खैर है, ठीक है। कंडीशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना साफ मोबाइल आएगा। चलें अब इसको ऑन करके चेक करते हैं कि मॉडल एक्वस R3। हाँ वही होगा, क्योंकि बोल नहीं था, तो फिर अल्लाह करे इसमें चार्जिंग हो। ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं, फिर आपको डिटेल वगैरह भी बताते हैं कि ये कहाँ से मंगवाया, कितने का मंगवाया, सबको डिटेल आपको हम देंगे। अभी इसको ऑन होने दें। ऐसे बुलबुल का बच्चा लग रहा है। मैंने ये मोबाइल, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये तो समझ नहीं आ रही उस्ताद जी। उस्ताद जी, आन कैसे होगा, मुझे क्या पता। ओके ठीक, इसकी चार्जिंग भी अभी कम रहती है। अब मेरे ख्याल में इसका 00 ही होगा कोड। ओहो, इसका कोड ही नहीं पता, अब क्या करें। खुल गया, वाह जी वाह। तो क्या हमारे कभी कभी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने वैसे पहली दफ़ा ये एक्वस का मॉडल मंगवाया। इससे पहले मैंने ना यूज़ किया ना, मुझे इसके बारे में इतना पता है। वैसे सुना है कि ये गेमिंग फ़ोन है। गेमिंग फ़ोन पबजी मंगाया है। अच्छा, पबजी कितने जो बदनी, वो क्या कहते हैं, FPS के, क्या 60 FPS चल रहा है। सही है। और कैमरा वगैरह भी चेक कर लेते हैं हम। कैमरा भी ठीक ही है, ठीक ही है, लेकिन गेम के लिहाज से है ना। ये डिटेल आप चेक करें, एक्वस R3 है, एंड्रॉयड 11 वर्जन है। इसमें स्टोरेज वगैरह इसकी कहाँ होगी। ये इसकी स्टोरेज है 128 GB है, 6/128 है अभी इसका। और इसमें क्या चेक करने वाली, इधर नज़दीक दिखाएं, इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी चेक कर दें। मोबाइल इसका रिज़ल्ट भी हम चेक कर लेते हैं। रिज़ल्ट भी इसका ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। वैसे ये गेमिंग फ़ोन है, अभी इसमें पबजी वगैरह इंस्टॉल नहीं है, वरना हम आपको पबजी वगैरह खेल के भी चेक कराते हैं। और मतलब इसमें स्लो मोशन है या नहीं, मैंने क्योंकि यूज़ पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। अभी आप थोड़ा दूर चले जाएं, अब आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाएं।
तो अभी आ जाते हैं जी इसकी प्राइस पे। प्राइस जो है इसकी मुझे मिली है तकरीबन 23,500 का, मुझे ये पड़ा मोबाइल चार्जेस वगैरह मिला। तो आप में से भी अगर किसी भाई ने मोबाइल मंगवाना हो तो ये है कि मैं बल्कि नंबर नहीं दूंगा, फिर लोग ये कहते हैं कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये मोबाइल कहाँ से मंगवाया है। ये आप किधर है ये देख सकते हैं, कराची, और ये मेरा नाम है जी शहजान अशरफ। और मंगवा के मुझे जिस भाई ने दिया है उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा, वीडियो के नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, चल रहा होगा, उस नंबर पर रब्ता करें। मैं एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ कि नॉन कस्टम फ़ोन उनके पास नहीं होती, ये है कि रेट उनके अच्छे होते हैं। कराची से आए मोबाइल तो ये है कि बाकी मार्केट की नस्बत 5-6,000 मोबाइल सस्ते होते हैं, और नॉन कस्टम वाला कोई चक्कर नहीं है, तो नॉन कस्टम से बचें। और जो मैंने नंबर दिया है उस पर भी आपने नॉन कस्टम वाली कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आगे मैंने एक दो वीडियो में उनका नंबर दिया है, तो जो व्यूवर्स हैं या कस्टमर जो भी वो उनको कॉल करते हैं और नॉन कस्टम के बारे में पूछते हैं, तो ये है कि फिर अगला बंदा भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए नॉन कस्टम से बचें और दूसरों को बजाएँ। तो चलते हैं जी वीडियो का एंड करने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।